हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 ऑफ चैप्टर 7, दैट इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्लास 8। हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और उन सभी का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, फैक्टोराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, फैक्टोराइज करना है, मतलब फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x + 33। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तीनों के लिए मैंने कुछ रफ वर्क करके रखा है। तो यहाँ पर फैक्टोराइज कैसे करना है, फैक्टोराइज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये रूल को यूज़ करेंगे। साइन चेंज होगा उस तरह का पिछले वर्कशीट्स में आपने देखा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ रफ वर्क में देखेंगे क्या किया गया है कि थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लास्ट टर्म। तो क्या होना चाहिए कि मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मिडिल टर्म का जो स्प्लिट किया गया है उनका प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 33x² हो रहा है और मिडिल टर्म को स्प्लिट किया गया है 11x और 3x में, 11x और 3x का सम 14x हो रहा है। तो फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में जो टर्म है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये हम लोग निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 14x + 33, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 11x + 3x + 33। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया गया है। अब इन दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि x कॉमन है, तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो x से दोनों को डिवाइड कर दिया गया, x से डिवाइड किए एक्स स्क्वायर को तो x बचा और 11x को डिवाइड किए तो 11 बचा। अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो दोनों को ही 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से डिवाइड किया गया 3x को तो x बचा और 33 को डिवाइड किया गया तो 11 बचा। चेक भी कर सकते हैं, 3 × x = 3x, 3 × 11 = 33। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे टर्म में x प्लस 11 है और इस पूरे में भी x प्लस 11, मीन्स x प्लस 11 दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो वन टाइम लिखेंगे x प्लस 11 को। अब x प्लस 11 से डिवाइड किया जाएगा इस पूरे टर्म को तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इस पूरे टर्म को डिवाइड किया जाएगा तो प्लस 3 बचेगा। सो x प्लस 11 इंटू x प्लस 3 इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली टू नंबर में आप देख सकते हैं y² - y - 6 लिखा हुआ है, तो मिडिल वाले टर्म को क्या किया गया, स्प्लिट किया गया है। कैसे स्प्लिट किया गया है, -y को -3y और +2y करेंगे तो -y आएगा, और प्रोडक्ट जब हम लोग कर रहे हैं 3y और 2y का प्रोडक्ट 6y² हो रहा है विथ माइनस साइन, क्योंकि 3y में माइनस है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, y² - 3y + 2y - 6। अब इन दोनों में y कॉमन है, y को एक बार लिख लेंगे, y बचा यहाँ, यहाँ माइनस थ्री बचा। इन दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ y बच रहा है, 2y को 2 से डिवाइड किए तो y बचेगा और -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3 बचेगा। अब इन दोनों टर्म में y - 3 कॉमन हम लोग देख सकते हैं, तो y - 3 को कॉमन ले लिया गया तो इस पूरे टर्म में y बचा और इस पूरे टर्म में +2 बचा, एंड दिस इज आर आंसर, दैट इज y - 3 × y + 2। सिमिलरली थर्ड वन में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वन में हम लोग -72 है तो उसका क्या कर देंगे हम लोग, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए 2 से, 36 बार में 2 से, 18 टाइम में 2 से, 9 टाइम में और 3 से 3 टाइम में कैंसिल हुआ। अब हम लोग ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उसमें प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट का पेयर्स लेंगे, 3 × 3 = 9 हो रहा है और 2 × 4 = 8 हो रहा है और 8 × 9 = 72 हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, x² + x - 72 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, x² + 9x - 8x and -72। तो हम लोग देख सकते हैं कि 9x और -8x का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, दैट इज -72x²
और 9x और माइनस 8x का सम करेंगे तो x आएगा, यानी वेरीफाई हो गया। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इन दोनों में x कॉमन है, x को एक बार लिखेंगे, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ प्लस 9 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस 8 कॉमन है, माइनस 8 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 8x को 8 से माइनस 8 से डिवाइड किया गया तो x बचा, और माइनस 72 को माइनस 8 से डिवाइड किया गया तो प्लस 9 बचेगा। दोनों में ही x प्लस 9 आप देख सकते हैं, तो x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, एक बार लिखेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इस पूरे टर्म में माइनस 8 बच जाएगा। एंड दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ नंबर 4, 4 में भी उसी तरह स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग मिडिल टर्म को। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, तो 27x स्क्वायर लाना है। कैसे ला सकते हैं हम लोग, अगर 12 को 9 और 3 के प्रोडक्ट में लिखें, 9 3 जा 27 होता है, तो इसको लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3x प्लस 27। फर्दर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 यहाँ भी बच जाएगा। अब x प्लस 9 दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 9 से डिवाइड किया गया, x बचा, और इस पूरे में से 3 बचा है। सो दिस इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नंबर 5, माइनस 132 है यहाँ, तो मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि माइनस 132 वाई स्क्वायर आए। तो मिडिल टर्म में y है, उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 12 और 11 के प्रोडक्ट में, 12y और 11y, 12y में से 11y सब्ट्रैक्ट करते हैं तो y बचता है, तो लिख देंगे इस तरह इसको, y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 11y माइनस 132 हो जाएगा यहाँ पर। फर्दर इन दोनों में y कॉमन है, एक बार लिख दिए, y प्लस 12 हो गया, इन दोनों में माइनस 11 कॉमन है तो यहाँ y बच गया, और यहाँ पर प्लस का 12 बच गया। अब y प्लस 12 दोनों में कॉमन ले लिए, यहाँ पर y बच गया, और यहाँ इस पूरे टर्म में माइनस 11 बच गया। सो y प्लस 12 इंटू वाई माइनस 11, दिस इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नंबर 6, वेरी इजी, सारे प्लस में दिए हुए, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 30 लाना है, 11x को ब्रेक करके 30x स्क्वायर लाना है, तो 6x और 5x का प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 30x स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, 5x को आगे लिख सकते हैं, 6x को बाद में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा, इन दोनों में 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। फिर से x प्लस 6 को कॉमन ले लिया गया, इस पूरे टर्म में x बचा, और इस पूरे टर्म में 5 बचा। सो x प्लस 6 इंटू x प्लस 5, this is the answer, you may write x plus 5 into x plus 6 also, this is the answer of question number 6. Now question number 7, question number 7 में x square minus 11x minus 42, तो इसमें 42 को अगर हम लोग split कर दें तो 42 के लिए क्या हो जाएगा, minus 11 को अगर split करें sum में, दो integers के sum में या दो numbers के sum में, तो 14 into 3 किया जा सकता है। तो 14 इंटू 3 अगर किया जा सकता है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 14 जो है वो माइनस में होना चाहिए और 3 जो है वो प्लस में होना चाहिए, तभी हम लोग का सम क्या आएगा, माइनस 11x आएगा। और बाद में क्या लिखा हो, माइनस 42, सिर्फ मिडिल वाले को स्प्लिट किया जाता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला एज इट इज़ है। तो इन दोनों का सम आ रहा है माइनस 11x, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है माइनस 42x स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्दर x स्क्वायर और माइनस 14x में x कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर माइनस 14 बच जाएगा। इन दोनों में प्लस 3 को कॉमन लिया जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ x और यहाँ बच जाएगा माइनस 14। अब x माइनस 14 दोनों में कॉमन है, x माइनस 14 को वन टाइम लिखे हैं, यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर बच गया 3, तो x माइनस 14 इंटू x प्लस 3 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नंबर 8, जेड माइनस 12z प्लस 27, तो इसको मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया जा सकता है देखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 9z माइनस 3z लिखा जा सकता है प्लस 27। क्यों लिखेंगे माइनस 9z माइनस 3z, क्योंकि माइनस 9z और माइनस 3z का सम करेंगे तो माइनस 12z आता है, और माइनस 9z और माइनस 3z का प्रोडक्ट करेंगे तो 27z स्क्वायर आता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो फर्दर आगे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ दोनों में जेड कॉमन ले लिया गया, जेड माइनस 9 बच रहा है, इन दोनों में माइनस 3 कॉमन ले लिया गया तो यहाँ भी जेड माइनस 9 बच रहा है,
फर्दर क्या हो जाएगा, जेड माइनस नाइन को कॉमन लेंगे तो इस पूरे टर्म में जेड बचेगा और इस पूरे टर्म में माइनस थ्री बचेगा. सो जेड माइनस नाइन इंटू जेड माइनस थ्री इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर एट. दैट्स ऑल. वी विल मीट अगेन इन सम अदर वीडियो. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग.